वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आशु व्यास फिटनेस। मैं हूं आशु व्यास, आपका दोस्त, आपका साथी। अब आज हम एक पार्ट पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है हम सभी का, जो जिम जाते हैं उनका भी, जो जिम नहीं जाते हैं उनका भी, वो होता है आपका बाइसेप, है ना। बाइसेप का शौक जो है वो सभी को है, बाइसेप सभी को बढ़ाना है, सभी को बाइसेप दिखाना है, टी शर्ट पहनना है, बनियान पहनना है और बाइसेप दिखाना है। लेकिन एक जो समस्या होती है, जो सभी के साथ होती है, जो मेरे साथ भी सालों रही है, जो कि बहुत मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर समझ आया कि वो क्यों होती है, वो होता है आपका बाइसेप का पीक। बाइसेप का पीक मतलब ये चीज होती है, ये पोर्शन जो गोलाई होती है, ये बाइसेप्स की नहीं आ पाती है उतनी जितनी आप चाहते हैं। लोगों का साइज भी बढ़ जाता है तो गोलाई नहीं आ पाती। वो क्यों नहीं आ पाती है, क्या कारण है उसका, कौन सी एक्सरसाइज है जिसके कारण कि वो बाइसेप का पीक आपका आ जाएगा, मैं आज आपको वही सिर्फ दो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। वो दो एक्सरसाइज अगर आप आपके वर्कआउट में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बाइसेप्स का पीक आ जाएगा। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर चैनल पर आप आए हैं, विजिट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, जिससे कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, रोज एक वीडियो बनाता हूं, वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है, जिससे कि आप और मैं हमेशा जुड़े रहें। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं बाइसेप की वो दो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे कि बाइसेप का आपका पीक जो है वो बढ़ेगा। सबसे पहले मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बाइसेप जो है वो एक बहुत छोटी मसल होती है, केवल इतनी सी मसल होती है, इसमें बहुत जल्दी फटीक आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी ये बोलना चाहिए कि ट्रेन हो जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप बाइसेप्स को ट्राइसेप्स के साथ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे अकेला बाइसेप्स ट्रेन ना करें, क्योंकि वो ओवर ट्रेन हो जाता है, उतना न्यूट्रिशन उसको मिलता नहीं है, इस कारण भी बाइसेप का पीक नहीं आता है। बाइसेप्स अगर आप लगा रहे हैं सेपरेट, तो आपके लिए 30 टू 40 मिनट्स का बाइसेप ट्रेन करना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा उसे ट्रेन ना करें अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, कौन सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, आइए। सबसे पहले जो है हमको एक बारबेल लेना है, ठीक है। ये बारबेल मैंने ले ली और ये बारबेल यहाँ पर आया हूँ, ये बारबेल है। अब ये चीज ध्यान रखें कि जब आप लोग जब बारबेल पकड़ते हैं वो यहाँ से पकड़ के लगाते हैं, यहाँ से भी पकड़ के लगाते हैं, लेकिन जिन लोगों का बाइसेप का पीक नहीं आ रहा है वो चीज़ ध्यान रखें कि वो अपनी शोल्डर विड्थ के थोड़ा सा बाहर जाए, जहाँ से आप चिन अप लगाते हैं वहाँ पर जाकर रॉड को पकड़ें, इतना, जैसे कि मेरी जो शोल्डर विड्थ है उससे कम से कम आप समझ के चले 3 से 4 इंच बाहर ले जाकर रॉड को पकड़ें और उसके बाद फिर इसे लगाएं। उसके बाद जब आप इसे ऊपर ला रहे हैं तो ऊपर लाकर केवल इतना ही ले जाएं, नीचे आपको नहीं ले जाना, और उसके बाद आपको इससे ट्रेन करना है। पूरे टाइम आपकी जो ग्रिप है वो टाइट रहेगी, तभी इसका रिजल्ट आएगा। इस एक्सरसाइज को आप ऐड कीजिए अपने वर्कआउट में। इस एक्सरसाइज के आपको एक सेट में आप अगर 5 kg वेट से या 10 kg वेट से भी इसको लगा सकते हैं, और 15 रेप एक सेट में सफिशियंट है। 15 रेप के 3 सेट्स लगाइए, इसको अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। ध्यान रखिए ये उस जो बारबेल कर्ल आप लगाते हैं उस बारबेल कर्ल से डिफरेंट है, क्योंकि कई लोगों के शोल्डर जो होते हैं वो प्रॉड होते हैं, जैसे कि मेरा शोल्डर है, मेरा भी काफ़ी टाइम तक बाइसेप का पीक इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं भी क्लोज ग्रिप पकड़ के लगाता था। इसलिए इसको अपनी शोल्डर विड्थ के बाहर जाइए और यूँ लगाइए, जिससे कि आपका जो बाइसेप का फटीक है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हुई आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज गाइस वो है जो आप लोगों ने कई बार जिम में देखी होगी, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, हम उस पर लोड नहीं लेते,
वो भी आपको बारबल से ही करना है या आप मशीन बारबल से भी कर सकते हैं। आपको एक बारबल लेना है और उसके बाद फिर उसको रिवर्स ग्रिप पकड़ना है। रिवर्स ग्रिप आपने देखा होगा कई लोग लगाते हैं लेकिन कई लोग नहीं लगाते हैं। रिवर्स ग्रिप में आपको इसको पकड़ना है और ये कहीं करना है, इस तरह से आपको इसको भी लगाना है। इसके लिए आप 3 सेट्स लगाएंगे, 15-15 आपके 3 सेट्स सफिशिएंट है। रिवर्स ग्रिप बाइसेप कर्ल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फ्रंट ग्रिप लगाते हैं तब आपका इनर बाइसेप ट्रेंड होता है, लेकिन जब आप उसको रिवर्स पकड़ते हैं, आप ये देखिए रिवर्स जब आप उसको ट्रेन करेंगे तो आपका जो अंदर का हिस्सा है वो निकल कर आता है और केवल आपके बाइसेप जो पिक है, पीक जो होता है उसी पर लोड आता है। ध्यान रखिए इसलिए रिवर्स ग्रिप बाइसेप पीक जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस एक्सरसाइज को भी आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको 1 से 2 महीने में ही आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा और आपका जो बाइसेप का पीक है जो आप चाह रहे थे वो पीक बहुत अच्छा आएगा। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और आप हमेशा जुड़े रहें। आज के लिए आई एम आशु व्यास साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।